गुमला शहर के बीच में मौजूद जो बाज़ार हाट है वहाँ पर सप्ताह में दो बार बाज़ार लगती है और वहाँ से सरकार को अच्छा खासा राजस्व भी आता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस बाज़ार हाट की स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है और उसी के बीच में वहाँ पर सब्जी बेचने वाले बैठते हैं जिन्हें दो वक्त का रोजी रोटी का जुगाड़ हो पाता है। साथ ही साथ वहाँ लोग जो सब्जी खरीदने जाते हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्पष्ट है कि प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम यह है कि अभी भी वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोग लगातार परेशान हैं। कई बार प्रशासन को शिकायत भी की गई लेकिन कोई इसकी ओर कार्रवाई नहीं किया गया। और इसमें मामला स्पष्ट बता दें आपको कि नगर परिषद का स्पष्ट कहना है कि वो जमीन चूंकि बाजार समिति की जमीन है, ऐसे में वो वहाँ तो ना तो निर्माण कार्य कर सकती है ना ही उसकी साफ सफाई के पीछे पैसा खर्च करेगी। हम लोग को बहुत कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इससे गंदगी फैल रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग को इसका साफ सुथरा किया जाए। आप लोग टैक्स देते हैं? टैक्स देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, परेशानी पूरा हो रहा है, इसलिए होना चाहिए साफ सुथरा, सफाई होना चाहिए, पूरा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, पक्कीकरण होना चाहिए। साफ नहीं रहता है, गंदगी से भरा हुआ रहता है। पैसा लेने के लिए म्यूनसिपलिटी आगे है, ना इंक्रोचमेंट हटाता है ना यहाँ सफाई करता है। परेशानी होती है, मेरा आग्रह हर पूरे पब्लिक को परेशानी हो रही, देख लीजिए कीचड़ से भरा हुआ बाजार है, बाजार में लोग यहाँ पे आने के लिए विवश है। लेकिन जब मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीरता दिखाई गई, कई बार मामले को डीसी के संज्ञान में लाया गया, तो गुमला के जो नए डीसी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वहाँ पर नागरिकीय सुविधा कैसे बहाल हो सकती है, उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीओ ने भी स्पष्ट कहा है कि डीसी की ओर से कई तरह के निर्देश मिले हैं, लेकिन वहाँ बावजूद इसके उन्होंने भी अपनी जो समस्या का जो वहाँ पर जाहिर की है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि समस्या ये है कि चूंकि बाजार समिति की ज़मीन है और उस ज़मीन पर नगर परिषद अपना पैसा नहीं लगा सकता है, नगर परिषद ना तो निर्माण कार्य कर सकता है। शहर के बीचों बीच एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा एसेट है और वो नागरिक सुविधा के एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में आता है, वो हमारा गुमला जो बाज़ार है वो है। और उसके परिस्थिति पर जो है नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से भी हमने बात करी है, लेकिन इसके बावजूद एक बार फील्ड जाकर एक बार स्पॉट जाकर उसको देखना होगा और वस्तु स्थिति पर क्या प्लानिंग हो सकती है वो जगह ज़्यादा बेहतर बताता है, तो वहाँ देखकर उसके हिसाब से प्लान बनाकर आने वाले वित्तीय वर्ष में उसके आवंटन को मांग कराते हुए कोशिश की जाएगी कि जितने जल्दी समय में उसको इम्प्लीमेंट कराते हुए एक वर्ष में उसका कायाकल्प जो है वो हम लोग करा सकें, वो उस पर पूरी तरह से हम लोग जो है एक प्लान्ड वे में हम लोग काम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। और आशा करेंगे कि जो प्रोजेक्ट हो वो ऐसे ऐसे स्कीम्स हो जो पब्लिक के बेनिफिट में हो, जो कि जो खरीदने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी वहाँ बेहतर हो, लाइटिंग की सुविधा हो, अंधेरा में भी कोई दिक्कत नहीं हो, सुबह में दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सिचुएशंस के लिए जो है वो बाजार जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट रहेगा, यही हम लोगों की कोशिश रहेगी। गुमला नगर क्षेत्र में जो गुमला बाजार टांड का इलाका है वहाँ पे प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को बाजार हाट लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में विक्रेतागण आते हैं और खरीदारी होती है। इस कारण से हमेशा वहाँ पर गंदगी जमा हो जाती है। नगर परिषद के द्वारा गंदगी का निपटारा किया जा रहा है, साफ सफाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने स्थल भी जांच किया है सबके अगुवाई में अध्यक्षता में, और विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार यथासंभव विकास कार्य जो वहाँ पे संभव हो पाएगा। तो ऐसे में दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रशासनिक परिसंपत्ति होने के बावजूद, सरकार की संपत्ति होने के बावजूद दो विभागों की लड़ाई में आम लोगों को लंबे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्वच्छता अभियान जैसे नारे लगाए गए लेकिन क्या जिला मुख्यालय में मौजूद इस बाजार जो बाजार हाट का जो स्थल है उसकी सफाई हो पाई, ये बहुत बड़ा सवाल इंसान खड़ा करता है। लेकिन देखना ये होगा कि जिले के जो नए उपायुक्त आए हैं वो इस मामले को लेकर गंभीरता तो दिखा रहे हैं लेकिन कब तक वो कार्रवाई करते हैं और कब तक लोगों को उस गंदगी से निजात मिल पाती है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कई बार मुद्दों को उठाए जाने के बावजूद भी प्रशासनिक गंभीरता जो है वो नजर नहीं आती है, जिससे लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। जो समस्या लगातार बढ़ रही है जिसको लेकर लोग आंदोलन करने के मूड में भी हैं, लेकिन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि उनकी सुने तो कौन सुने, किसके पास वो फरियाद करें, ना तो प्रशासन सुनती है ना ही सरकार सुनती है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।